काम बोलेगा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम टीवी जो होती है एलईडी टीवी, उस पर यूट्यूब की फंक्शंस हैं तो किस तरीके से जो यूट्यूब है उसे चलाया जाता है, हम बताएंगे आपको काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान तरीका। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप टीवी को ऑन करते ही टीवी में जो रेड कलर की लाइट है वो आ जाती है। उसके बाद क्या करनी है हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। रिमोट में लाल बटन होती है टीवी को ऑन करने की, तो टीवी ऑन करते हैं। टीवी ऑन होते ही हमारी टीवी की जो डिस्प्ले है कुछ इस तरीके से दिखती है, फिर वो लोडिंग लेगी। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर जो है इनपुट की ऑप्शंस होती है रिमोट में, देख पा रहे हैं आप, थोड़ा क्लियर करके दिखाते हैं। ये इनपुट वाली ऑप्शंस इसे दबानी है, ये देखिए इनपुट वाली ऑप्शन दबाएंगे तो इनपुट के ऑप्शन दबाने के बाद यहाँ पर इसके जो कुछ फंक्शंस है वो आ जाते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है तो एप्लीकेशन में सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए ये, तो ये एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद जो रिमोट के बीच में ओके बटन होती है उसे दबानी है। दबाने के बाद यहाँ पर आ जाती है यूट्यूब की फंक्शंस। यूट्यूब फंक्शंस आने के बाद फिर से रिमोट की ओके बटन दबानी है। अब यहाँ पर ये बोलता है कि पहले से आपने क्या अपनी मोबाइल से या टीवी में कनेक्ट किया है वाईफाई, तो नहीं तो फिर से इसको ओके बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर बोलता है कि मैन्युअली आप इंटर कर सकते हैं अपनी वाईफाई हॉटस्पॉट की पासवर्ड, तो फिर से ओके बटन दबाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि मेरे आसपास में कुछ वाईफाई चल रही है, उसकी सर्चिंग यहाँ पर ले लिया है, तो ये हमारी वो ऑप्शंस नहीं है, तो फिर से इसको एक बार ओके बटन दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि वाईफाई की पासवर्ड इंटर कीजिए। चलिए वाईफाई की पासवर्ड किस तरीके से इंटर करेंगे उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मोबाइल पे। मोबाइल पे लॉक खोलते हैं हम। लॉक खोलने के बाद यहाँ पर जो हॉटस्पॉट के ऑप्शन है उसे क्लिक करनी है, हॉटस्पॉट खोलनी है, देख पा रहे होंगे आप। तो हॉटस्पॉट के ऑप्शंस ऑन करने के बाद जस्ट हॉटस्पॉट के नीचे ही दिखेगी हमारी हॉटस्पॉट की पासवर्ड, उसे इंटर करना है। इंटर करने के लिए आप फिर से इसकी ओके बटन दबाएंगे। यहाँ पर जो है इसकी कीबोर्ड खुलकर आ जाती है। कीबोर्ड खुलकर आने के बाद आप इस कीबोर्ड से इसके जो नंबर्स है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टैब में आते हैं, ओके टैब आते हैं तो यहाँ पे नंबर के ऑप्शंस आ जाती है, फिर टैब दबाते हैं। उसके बाद इसके जो वर्ड है उसको छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पर छोटा बड़ा के ऑप्शंस हैं, ये देखिए छोटा बड़ा हो सकती है। उसके बाद शिफ्ट में आते हैं तो यहाँ पर इसकी कुछ फंक्शंस हैं जो कीबोर्ड की, वो भी चेंज हो जाती है। चलिए यहाँ पर अब हम इसमें अपनी पासवर्ड है उसे एंटर कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो है नंबर्स नहीं आ रही है, तो नंबर लाने के लिए हमें शिफ्ट में जाना होगा। शिफ्ट में जाने के बाद क्लिक किया तो यहाँ पे जो नंबर है वो आ गई है। चलिए नंबर भी पासवर्ड में लगाते हैं। पासवर्ड पूरा होने के बाद आपको यहाँ पर जो इंटर वाली सिलेक्ट बटन है वहां पर इसको एंटर करनी है। इंटर करने के बाद फिर से जो है रिमोट की ओके बटन दबानी है। दोस्तों यहाँ पर हमने पासवर्ड को एंटर कर लिया है। इंटर करने के बाद यहाँ पर जो कनेक्टेड के ऑप्शन है, दूसरी कैंसिल के ऑप्शन है, तो हमें करनी है कनेक्ट मोबाइल से। ये जो ओके के बाद नीचे वाली जो बटन है इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर कनेक्ट के ऑप्शन में आती है। उसके बाद फिर से हम यहाँ से ओके बटन सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है जो कनेक्टिंग कर रही है। हमने हमारे मोबाइल को पहले भी इसमें कनेक्ट कर रखा है और पहली बार कनेक्ट करेंगे तो बड़ी इजी से वो कनेक्शन उसकी हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं हमारी जो वाईफाई है वो सेटिंग है हॉटस्पॉट, देखते हैं सर्च में कनेक्टिंग जो किस तरीके से करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने हमारी मोबाइल की जो है इसमें कनेक्ट पहले ही कर रखा है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है। और यहाँ पर जो है लॉक सिस्टम है,
तो हमें क्या करनी है, आप इसको जस्ट नीचे लानी, इसमें सिलेक्ट करके इसको ओके करनी है। फिर से पासवर्ड मांग रही है, तो हमारी जो पहले हमने जिसे कनेक्ट किया था उसकी पासवर्ड डालनी है। तो चलिए हमें याद है, हम डाल देते हैं उसकी पासवर्ड। पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पर इंटर के ऑप्शंस में लाके उसको ओके करते हैं। तो अब देखते हैं कैसे होती है। तो ये देखिए, अब इसकी जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है, वाईफाई सर्च ले रही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो लॉक की निशान है उसमें टिक की ओके की निशान आ गई है, देख पाएंगे आप। तो इस तरीके से जो हॉटस्पॉट है उसको हम इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। चलिए अब यूट्यूब की फंक्शंस पर चलते हैं वापस फिर से। अब यूट्यूब ऑन करते हैं तो यूट्यूब देखिए किस तरीके से खुल जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए यूट्यूब की ऑप्शंस जो है चालू हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेलवे ने कुछ उसकी ऑप्शंस आती है वो आ गया है। चलिए यहां से हम कोई एक चीज को चालू करके देखते हैं चलती है या नहीं। तो यहाँ पे एक कॉमेडी वाली ऑप्शन है, उसको चालू करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी जो YouTube की कनेक्शन है काफी सिंपल तरीके से हो सकती है। तो दोस्तों देखिए कि बहुत सिंपल और आसान होती है YouTube को जो है LED TV से चलाना। आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरीके से इसमें जो कनेक्शंस किया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में इसी तरीके की कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। फिर आते हैं, बोलेगा काम बोलते रहेगा।